नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गेट इंस्पायर्ड ब्लॉग्स में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी आज की रेसिपी है बर्न टोमेटो एग। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं 3 कच्चे अंडे, 3 बड़े साइज के टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, रिफाइंड ऑयल और टूथपिक, जिसे हमने 2 हिस्सों में तोड़ रखा है, उसे बीच से हमने तोड़ दिया है। सबसे पहले हम एक बड़े साइज का टमाटर लेंगे और उसे चाकू की मदद से उसके ऊपर का हिस्सा काट कर अलग कर देंगे। उसके बाद हम एक चाकू और एक चम्मच की मदद से उसके अंदर का सारा पल्प निकाल कर बाहर कर देंगे। ये देखिए, इसे अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन। ये देखिए, ये बिल्कुल कटोरी की तरह तैयार हो गया। अब हम एक अंडा लेंगे, अंडे को हम ऊपर की तरफ से तोड़ेंगे। ये देखिए, इसे हमने ऊपर की तरफ से तोड़ लिया। अब हम इस अंडे को हम टमाटर के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें नमक मिलाएंगे, थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी प्याज डालेंगे, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करेंगे, और उसके बाद हम एक चम्मच की मदद से इसे बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम ऑमलेट बनाने के लिए करते हैं। ये देखिए, इसे हमने बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने टमाटर के ऊपर का जो हिस्सा काट कर अलग रखा था उससे हम इसे बंद कर देंगे। इसे ठीक से बंद करिए। ये देखिए, हमने इसे बढ़िया से बंद कर दिया है। अब हम इसे टूथपिक की मदद से सील कर देंगे ताकि इसके अंदर का लिक्विड बाहर नहीं निकले, और इसी तरीके से हम अपने बाकी के बचे हुए दोनों टमाटर भी तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम अपनी कुकिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टोव पर पैन को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें अपने तैयार किए हुए टमाटर रख देंगे और उसे ढककर पकने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ये ढक्कन लगा दिया। लगभग 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे, अपने टमाटर को चेक करेंगे, और उसके बाद हम उसकी साइड्स को चेंज कर देंगे ताकि ये चारों तरफ से कुक हो जाए। हमें टमाटर के ऊपरी हिस्से को लगभग जला देना है। लगभग 10 मिनट और पकाने के बाद हम ऊपर का ढक्कन हटाएंगे और उसके बाद हम अपने टमाटर को चेक करेंगे। टमाटर के ऊपर की परत लगभग जल गई है, तो यह अब बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हमारा टमाटर बिल्कुल ठंडा हो गया है। पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक ये ठंडा हो गया है। अब हम इसमें से अपने टूथपिक्स बाहर निकाल देंगे और टमाटर के ढक्कन को खोलेंगे, और ये देखिए क्या खूबसूरत ऑमलेट अंदर से तैयार है। बाहर से जब आप टमाटर को खाएंगे तो वो आपको ग्रिल टोमेटो का टेस्ट देगा और अंदर से आपको ऑमलेट का टेस्ट मिलेगा। इसे एक चाकू की मदद से 2 हिस्सों में काटें और सर्व करें। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।